योगी के सैफई दौरे पर क्या बोले अखिलेश यादव। दौरे पर अखिलेश यादव ने कसा तंज और खोली पोल। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की जमकर लगाई क्लास। सैफई से सीख लेने की भी दे डाली सीएम को नसीहत। अखिलेश यादव ने सीएम के दौरे को बताया मजबूरी। अखिलेश यादव ने सीएम पर लगाया उपेक्षा का आरोप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सैफई दौरे के बाद सियासी पारा हाई दिखाई दे रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी के दौरे को लेकर सरकार और सीएम दोनों को घेरा और एक के बाद एक कई मुद्दों पर तंज कसते हुए सरकार की बखिया उधेड़ डाली। अखिलेश यादव ने जहां दौरे को लेकर सवाल उठाए, वहीं सरकार पर सैफई मेडिकल कॉलेज की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कई ऐसे तथ्य पेश किए जिनसे सरकार की कथनी और करनी का फर्क साफ हो गया और ये भी साफ हो गया कि बीजेपी के राज में सपा के साथ किस तरह से दुश्मनी निकाली जा रही है और कैसे खुन्नस में काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने प्रदेश के मुखिया के दौरे पर सवाल उठाते हुए जो कुछ भी कहा वो 16 आने सच साबित होता है और सरकार की दोगली नीति और गंदी सियासी मानसिकता उजागर होती है, ऐसा सपा के नेताओं का कहना है। दरअसल पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सैफई दौरे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि 4 सालों तक घोर उपेक्षा करने के बाद उनको सैफई की याद आई। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार कुंठित मानसिकता के साथ कोरोना और ब्लैक फंगस महामारी से लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि शहर हो या गाँव, हर जगह लोग शारीरिक, मानसिक और आर्थिक यंत्रणाओं से तप रहे हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए जहां बीमार वहीं उपचार के खोखले नारे दिए जा रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री को फुल प्रूफ व्यवस्था के इंतजाम की जगह राजनीतिक पर्यटन में ज्यादा रुचि है। अपने कार्यकाल में राजनीतिक द्वेष के चलते सैफई की घोर उपेक्षा करने के बाद अब योगी आदित्यनाथ को सैफई की याद आई है। वहां जाने में देरी सीएम और बीजेपी की मजबूरी का संकेत है। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि सैफई समेत राज्य में कहीं भी चिकित्सा की सुविधाओं पर उनकी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। योगी की सरकार ने सैफई में स्वास्थ्य सेवाओं का बजट कम कर दिया और विकास के काम रोक दिए, तो ऐसे में इस दौरे का औचित्य क्या बनता है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि टीकाकरण में राज्य सरकार का यूपी के प्रथम आने का दावा सत्य से परे है। सच्चाई तो ये है कि अभी तक दूसरे डोज में 33 लाख को ही वैक्सीन दी जा सकी है। ये तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों से भी टीकाकरण में पीछे है। प्रदेश में कुल 6,260 केंद्रों पर ही टीकाकरण हो रहा है। इस रफ्तार से तो वो दिवाली तक वैक्सीन का लक्ष्य कैसे पूरा कर पाएंगे। वैक्सीनेशन के अलावा चिकित्सकीय सुविधाओं के टोटे पर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए कहा कि दौरे करने से बेहतर है कि बाबा जी व्यवस्थाओं को जुटाएं ताकि जो लोग बीमार हैं उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन सरकार और सीएम दोनों को सिर्फ पर्यटन से ही प्यार है। लोग मरते हैं तो मरें, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।